ये रही वो बाइक, क्या लग रही है यार। भाई साहब यहाँ पे क्या हुआ, ब्लॉक हुआ है। निंजा। और यहाँ पे ना जेएस फिल्म की बाइक है, क्या बाइक लग रही है गाइस, खतरनाक वाली। तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू मनी व्लॉग, आई एम डूइंग वेल। तो गाइस आज के इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सीधे सीधे अपने ना मोटो ब्लॉग पे, और करते हुए मोटो ब्लॉग चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ, लेट्स गो। तो अभी गाइस डन विद द फ्यूल अपना, और जस्ट मैं अपने फ्रेंड के यहाँ पे आपको बता रहा था कि फ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ था, उसको जस्ट विजिट करके आया हूँ। और वहाँ पे जाके पता चला उसके एक हाथ को ना फ्रैक्चर हो चुका है, और राइट हाथ में, और अभी उसको ना थोड़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि राइट हाथ से ही हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं। तो आप लोग भी ना गाइस संभाल के चलो ना, यहाँ पे गलती उसकी नहीं थी, जो सामने से आ रहा है उसकी गलती थी, उसने आके इसको ठोक दिया। आप लोग है ना संभाल के चलाना, राइड सेफ और स्टे सेफ। इन दिनों कुछ ज़्यादा हादसे होते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग घुसते हैं कहीं से भी। और ये देखो इसने भी अचानक से ब्रेक मारा, और ये भाई साहब मस्त लगे हैं फोन पे। पता है यार क्या करेंगे, जस्ट नॉर्मल इंडियन थिंग्स। लो भाई फाइनली अपन लोग पहुंच चुके हैं मापसा में, और यहाँ पे हो चुकी है एकदम तगड़ा ट्रैफिक। हमने अपने जा रही कितनी बड़ी बाइक, अभी 4x7 नंबर VIP नंबर शायद से, एकदम वो तो जेट्स की जैसी लग रही है। दिखाता हूँ भाई मैं आपको ना, ये रही वो बाइक, क्या लग रही है यार, खतरनाक सीन। पीछे वाला एग्जॉस्ट देखो, कौन सी बाइक है ये आप लोग कमेंट करना जाओ। फाइनली अभी पहुंच चुका हूँ मैं ना अपने लोकेशन पे, यहाँ पे ना कोई TVS का भी इवेंट हो रहा है शायद से, अलग अलग इवेंट्स है यहाँ पे। अपने लेफ्ट में शायद से अपना इंडियन बाइक वीक जो है ना, अपने लेफ्ट में कहाँ से एंट्री है इसकी, जरा राउंड मार के देखते हैं ना। यहाँ पे लेफ्ट में अपना, सॉरी राइट में अपना TVS का इवेंट है, और यहाँ पे एक बार जरा राउंड मार के आते हैं ना, देखते हैं अंदर जाने को मिलता है तो जाएंगे। ट्रैक बने हैं इस इवेंट को शायद से ना, उनके कुछ अलग अलग चार्जेस है अलग अलग इवेंट के लिए, 750 रुपीज़ फॉर ऐसे मैंने पढ़ा था। तो इस शॉप यहाँ पे क्या हुआ, ब्लॉक हुआ है। अभी मैं ना यहाँ पे खो जाऊँगा, कहाँ पे जाना है कुछ आइडिया नहीं मेरे को, कल जब वापस आऊँगा तब पता चलेगा। ये गाइस शायद ना मेन स्टेज है, 10 ईयर्स ऑफ रोर। अभी चलते हैं यहाँ से आगे कहाँ जाऊँ मैं, इसे टर्न कर लेते अपनी बाइक। और
चलते हैं यहाँ से बाहर, ऐसा कुछ सीन है गाइस यहाँ पे। तो अभी निकलते हैं ना यहाँ से अपन अपने बाहर की तरफ। पूरे एक्सप्रेस रैली एडिशन डिस्प्ले पे लगाई है, वहाँ पे एक बार जाते हैं ना। यहाँ पे सारी बाइक्स डिस्प्ले पे लगा रही है। ओह थक गया गाइस मैं यहाँ पर घूम घूम के, एक मिनट सी जिमनी। कल यहाँ पे खाएंगे धूल मिट्टी सब। यहाँ पे ऊपर जाके आएगा एक बार। ये है शायद मेन स्टेज, मैंने आपको उल्टा दिखाया था। अच्छा लेकिन मैं इसी रोड से तो आया था, यहाँ पे मैं आ गया था ऊपर। और यहाँ पे कुछ ऐसा सीन है, अभी तक सब कुछ रात भर यहाँ पे शायद ना सेटअप चलेगा और अपन निकलते हैं गाइस दूसरी जगह पे, देखते हैं आगे जाके ना क्या देखने को मिलेगा। चलते गाइस बाहर की तरफ, आगे कहीं पे देखेंगे। ये क्या है, मौत का कुआं, यहाँ पे मौत का कुआं भी है। ये क्या लिखा, अनस्टॉपेबल अनस्टॉपेबल टुगेदर। अभी यहाँ पर भी एक ट्रैक बन रहा है, वहाँ पे जाके देखते हैं ना एक बार। अंदर जा सकता है, अंदर जाना। हाँ ऐसे ही राउंड मार के, राउंड मार के आ सकता है। राउंड मार के हाँ सबको जाना था, राउंड मार के क्या कहे ना। हाँ वो वाला गेट में, इधर से नहीं जा सकता है, जाके आते ऐसे देख के आते। तो गाइस अभी अपन आ चुके हैं टीवीएस वाले एरिया में, टीवीएस मोटोसोल। यहाँ पे देखते हैं क्या सीन है। यहाँ पे ना सब टीवीएस टीवीएस का ही रहेगा, टीवीएस वालों का अलग ही इवेंट है। कौन से बाइक से टीवीएस, यहाँ पे तो कुछ है नहीं। निंजा डिचुक 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 डिचुक, मौत का कुआ। यहाँ पे गाइस एक और ट्रैक बन रहा है, जिमनी जिमनी का शायद से यहाँ पे कुछ तो इवेंट रहेगा। अभी हम लोग जिमनी का कोई तो इवेंट रहेगा यहाँ पे ना, वहाँ तक उनका ट्रैक बना है ऊपर तक। अब लोग देख सकते हैं पूरा पहाड़ पहाड़ को कैसे खतरनाक ट्रैक बनाया है। तो गाइस यहाँ पे ना आप लोग देख सकते हैं हार्ली डेविडसन का टेंट, और यहाँ पे ना जेएस फिल्म की बाइक है। क्या बाइक लग रही है गाइस, खतरनाक वाली।
और वो कहीं पे नज़र नहीं आ रहे शायद से ना, यहाँ पे एक अंदर वर्कशॉप सब कुछ बना है, शायद अंदर रहेंगे। और यहाँ पे सामने एग्जैक्ट हमारे मेन स्टेज है इंडियन बाइक वीक का, बड़ा वाला स्टेज। चलते हैं ना, अभी अपने को भी टाइम हो रहा है, 7:30 होने को, ऑलमोस्ट 10 मिनट बाकी है, निकलते गए यहाँ से। कोई नॉर्मल ही आता है, उनको बाहर भेजना है। ओके गाइज, अभी डन, निकल चुका मैं अपने घर की तरफ, तो लेट्स गो गाइज। मैं ना अभी टाइम क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट 19 मतलब 7 बज रहे हैं, और घर पहुँचते पहुँचते बज जाएंगे 8 या 9। तो चलते हैं गाइज ना फटाफट से, और मिलता हूँ मैं आपको सीधा घर पे, और कल मिलेंगे गाइज आपको इसी एरिया पे वापस से। तो कल के लिए आप लोग बने रहना इस व्लॉग को, शायद से छोटा सा ही व्लॉग बनेगा, पता नहीं, देखते हैं। पूरा मोटो व्लॉग का ही व्लॉग बनाएगा शायद ये ना, क्योंकि मैं किसी लोकेशन पे रुका भी नहीं हूँ। एवरेज भी आने वाला था, लेकिन कुछ अनअवॉइडेबल सरकमस्टेंसेस के वजह से उसको आने को नहीं मिला, तो कल आएगा शायद से वो ना, और कल हम लोग साथ में निकलेंगे। तो देखते हैं इस आगे का सीन क्या रहेगा। तो अभी ना ठंड लगने लगी थी और मैंने जैकेट पहन लिया, तो निकलते हैं अभी घर की तरफ। उस दिन ऐसा है कि अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने लोकेशन पे, और बस कुछ ही मिनटों में घर पहुंच जाऊंगा। और ये एक लोकेशन है ना, यहाँ पे कल अपना एक इवेंट था, और थोड़ा हेक्टिक सिचुएशन में ना व्लॉग बनाने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि अगर व्लॉग अच्छे चाहिए तो उसके लिए थोड़े बहुत चने वने चाहिए होंगे ना घूमने फूमने के लिए, तो उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और उसके पास जाके थोड़ा घूम लेते हैं और व्लॉग बनाते हैं मस्त मस्त से। तो अभी मैं पहुंचूंगा घर पे ना, इस व्लॉग को करूंगा एडिट और अपलोड कर दूंगा, कल आप लोग को देखने को मिलेगा। और कल हम लोग निकलेंगे अपनी इंडियन बाइक वीक के इवेंट के लिए, तो हीरो शोरूम वाले ने पहले अपन को वहाँ पे बुलाया उनके शोरूम पे, तो उनके शोरूम से शायद से रैली स्टार्ट होगी, जैसे कि मैं बता रहा था आपको व्लॉग में स्टार्टिंग में। तो वहाँ से हम लोग निकलेंगे आगे की तरफ। अभी समझ नहीं आ रहा कि जैकेट लेके जाऊँ या ना लेके जाऊँ, क्योंकि जैकेट में थोड़ा संभालना हेक्टिक हो जाएगा इसके लिए। फाइनली एट लास्ट मैं अभी पहुंच चुका था घर पे ना। तो अभी का सीन ऐसा है कि इस व्लॉग को ना करते यहीं पे एंड। आई होप कि आप लोग को ये व्लॉग पसंद आया रहेगा। तो गाइस आप लोग बस लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर करना। बस 500 सब्सक्राइबर्स के लिए ना कुछ ही सब्सक्राइबर्स की दूरी है, तो आई होप कि आप लोग सपोर्ट करेंगे। और इसी के साथ ना गाइस आप लोगों को कल एक मस्त सा व्लॉग देखने को मिलेगा, क्योंकि कल ना एकदम खतरनाक वाला तगड़ा सीन होने वाला है। तो कल शायद मेरे को रवेश भी मिलेगा या नहीं पता नहीं, क्योंकि उसकी रॉयल एनफील्ड की बाइक है और मेरी हीरो की, तो हम लोग हीरो के ग्रुप में जाऊंगा मैं शायद से, देखते हैं ना क्या सीन रहेगा कल का। तो मिलते हैं गाइस आपको कल वाले ब्लॉग में, टिल देन के लिए गाइस ना बाय बाय एंड टेक केयर एंड राइड सेफ।